हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज है हम फिर से एक बार घर के बाहर यानी कि आउटडोर शूटिंग की रेसिपी आप लोगों को फिर से देखने मिलेगी। तो बताओ मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं 2 किलो चिकन का चिकन कोरमा, वो भी नए तरीके से मेरे स्टाइल में। हाँ, अब बात करते हैं आउटडोर शूटिंग की। हाँ। लास्ट वीडियो हमने जब डाला था ना तो लोगों को बहुत पसंद आया था और लोगों ने कमेंट्स करके बोला था कि आप लोग और ऐसी बाहर की रेसिपी बनाओ, हम लोग को देखने में बहुत ही मजा आया, इसीलिए हम लोग आज फिर से बना रहे हैं। मुझे भी बहुत मजा आया नीचे बैठ के आराम से बनाने में, घर की फीलिंग आ रही थी तो मैं बोली चलो आज फिर बनाएंगे मेरे स्टाइल में नए तरीके से चिकन कोरमा। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, क्या हमें चिकन कोरमा बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, प्याज खड़े गरम मसाले में लेंगे, सौंफ, फूल, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, तेजपत्ता, जावित्री, काली मिरी, छोटी इलायची और दालचीनी। यहाँ लेंगे हम दही, कोतमीर, मसाले में लेंगे हम जीरे की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की, कश्मीरी लाल मिर्ची बुक्की, अदरक लहसुन का पेस्ट, मलाई, हल्दी। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रख दी हूँ। सबसे पहले हम गर्म मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गर्म मसाला ली हूँ, 5 इलायची, 2 फूल और 1 चम्मच सौंफ ली हूँ, 3 दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 यहाँ पे मैंने लौंग ली हूँ, 1 चम्मच भर के जीरा ली हूँ, 2 से 3 तेज़पत्ता ली हूँ, 2 जावित्री और 1/2 चम्मच भर के यहाँ पे काली मिरी ली हूँ और यहाँ 10 से 15 मैंने छोटी इलायची ली हूँ। इसको हम डाल देंगे, इसको हल्का सा खाली भूनना है, इसको ज़्यादा एकदम लाल नहीं करना है, बस 1-2 सेकंड के लिए। हमें इतने किलो का अभी तक बनाया नहीं ना स्ट्रीट फूड जायका में। नहीं, 2 किलो का कोरमा मैंने नहीं बनाई हूँ। आप लोग भी ध्यान से देख लो, आप भी घर में बना सकते हैं, मेहमान वगैरह आए तो 2 किलो का चिकन कोरमा मेरे स्टाइल में। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म मसाला रेडी हो गया है, इसको मैं यहाँ निकाल लूँगी और इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने टोप चढ़ा दी हूँ, गरम मसाला मैंने थोड़ा सा ठंडा होने रखी हूँ, ठंडा होने के बाद उसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी तेल ज़्यादा ली हूँ क्योंकि हमको इधर प्याज फ्राई करने का है, तो ये पूरा 1/2 किलो तेल है, तो इसको थोड़ा सा गरम होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है और यहाँ मैंने ली हूँ 1/4 किलो प्याज यानी कि 750 ग्राम, इसको हम अच्छे से लाल कर लेंगे। गरम तेल में डालने का ना? हाँ हाँ, प्याज लाल करने के लिए ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है ताकि प्याज अच्छे से लाल हो जाए, नहीं तो कैसा है ना जलने लग जाती है प्याज, इसलिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे और एकदम काला नहीं करना, अच्छा सुनहरी हुए तक हम इसको लाल कर लेंगे। आज तो बारिश रुक गई, हमें अभी रुकी है। हाँ। जब से बहुत बारिश आ रही थी एकदम गर्म हो रहा, देखो हम लोग को ए सी भी नहीं मिली है, बाहर बैठे गर्म में पसीने में बनाएंगे, फील अलग होता है, ये ऐसा लगता है घर में मेहमान आ रहे हैं, घर में शादियों की दावतें चल रही है और खाना पक रहा है, ऐसा फील आता है। लेकिन अभी बारिश आएगी ना तो ठंडी हवा अपने आप चालू हो जाती है। हाँ इंशाल्लाह। और है ना 2 किलो कोरमे का आप लोग को भी जजमेंट मिल जाएगा कि घर में अगर फैमिली में कोई आते हैं ज़्यादा मेम्बर तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको बिरयानी का जजमेंट चाहिए तो कमेंट करो। हाँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बिरयानी भी बनाऊँगी, अच्छी वाली एकदम 5 किलो की, मस्त। प्याज तो बहुत दिन से पीछे पड़ा है। कितना देर पकाएंगे अभी इसको? अभी इसको जाएगा कम से कम है ना इसको 15 से 20 मिनट जाएगा इसको पूरा लाल होने के लिए। तो यहाँ पे प्याज हमारी लाल होना शुरू हो गई है और ये मोमेंट पे आके बहुत जल्दी प्याज काली होती है, तो हिलाते रहने का, हाथ नहीं रोकने का और गैस एकदम स्लो कर दी हूँ मैंने। यहाँ पे अभी मैं गैस कर दूँगी बंद, गैस बंद कर दी हूँ मैंने और यहाँ पे थोड़ा सा इसको अभी हिलाएंगे, जो भी ये बचा कुचा है ये भी लाल हो जाएगा। कितना लिए थे प्याज हमने? ये 1/4 किलो प्याज ली थी, देख कितनी सी हो गई, अभी मैं तेरे को बताती हूँ कितनी हो गई है। माशाल्लाह, अब हम इसको निकालेंगे एक छन्नी में, इस तरीके से हमारा तेल भी निकाल लेंगे और इसको डालेंगे यहाँ पे थाली में ताकि इसको फैला लेंगे
ये क्रंची क्रंची हो जाएगी। इस तरह ये छन्नी लेने से ना आसानी हो जाती है हमारी प्याज निकालने में, तेल भी ज़ाया नहीं होता है और एक्स्ट्रा तेल भी जो है वो अलग निकल जाता है। और जो ये सफ़ेद सफ़ेद है ये भी अभी थोड़ा थोड़ा करके पक जाएगी, इसलिए ज़्यादा पकाएंगे तो ये काले हो जाते हैं। ठीक है, इसको ऐसा फैला के रखेंगे, फैला के रखने से प्याज हमारी अच्छी क्रंची क्रंची होगी। तो यहाँ पे हमारी प्याज भी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है और जो वाइट वाइट प्याज थी देख रहे हैं आप लोग, वो भी पक चुकी है। तो इस तरीके से ही आप बरिस्ता बना सकते हैं घर में, है ना। इसको स्टोर भी कर सकते हैं, जैसा ये क्रंची क्रंची होने लगे ना फटाफट एयरटाइट डब्बे में इसको पैक कर देने का। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा और ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे हमारा टोप थोड़ा ठंडा होने का हम वेट कर रहे थे, तो थोड़ा तेल भी ठंडा हो गया है और टोप भी ठंडा हो गया और गैस हमने कर दी है बंद। और यहाँ पे हमने थोड़ा तेल भी इसका कम कर दिया है, तेल ज़्यादा था इसलिए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दही। तो आपको बता दूँ मैं कि दही भी पौना किलो है, जैसा प्याज पौना किलो था उस तरह दही भी पौना किलो है। ठीक है, ये हम डाल देंगे तेल में दही। तेल में दही, ठीक है ना। मैं बोली ना मैं मेरे स्टाइल में बना रही हूँ आज थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमने ले लिए हैं हमारे मसाले। गैस चालू है कि नहीं? नहीं नहीं, गैस बंद है, बिल्कुल बंद है गैस। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन। वाह, वाटी भी डाली गई, ऐसा स्टाइल है तुम्हारा, ऐसे स्टाइल में बनाएंगे पहले बताते। देख रहे, मौका नहीं छोड़ता, कोई मौका नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे हमने डाल दिए है 3 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं ली हूँ 3 चम्मच भर के जीरे की बुक्की। यहाँ पे हमने लिए है 2 बड़े चम्मच मिर्ची की बुक्की। आपको तीखा पसंद है आप 4 चम्मच मिर्ची की बुक्की ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जा भाई पूरा जा। यहाँ पे हमने लिए है 4 बड़े चम्मच धनिए की बुक्की, 1 चम्मच भर के हल्दी की बुक्की। यहाँ पे हमने लिए है 3 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की। ठीक है, यहाँ पे मैंने ली हूँ मलाई, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी ले लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम आराम से इसको पहले मिला लेंगे, मतलब बिना पकाए। बिना पकाए अभी तक हमने गैस चालू नहीं करे है। दही के अंदर मैंने पूरे मसाले डाल दी हूँ आराम से। अब इसके अंदर हम आराम से हमारा डालेंगे ये चिकन। यहाँ पे मैंने कट लगा दी हूँ चिकन को, बड़ी बड़ी बूटी अच्छे से गल जाए। कितना चिकन है? 2 किलो चिकन है और बूटी थोड़ी थोड़ी बड़ी है। ठीक है ना, माशाल्लाह। चिकन कोरमा ना? हाँ, चिकन कोरमा मेरे स्टाइल में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले 1 मिनट के लिए, बिना गैस चालू करें। बिना गैस चालू करें और यहाँ पे बाहर काम भी चल रहा है, इसकी आवाज आ रही है। हाँ, वो इग्नोर करना, काम चलते रहेगा भी। वो बाहर किसी का काम हो रहा है, किसी के घर का काम चल रहा है। हो गया तैयार यहाँ पे चिकन को। अभी ऐसी खा लो। अब ये लाइटर देख रहे हैं आप लोग कितना बड़ा है। अब यहाँ पर मैं करूँगी गैस चालू। हुआ? हाँ, अब इसको हम पकाएंगे ढक के, पूरा इसका पानी सूखे तक, चिकन पूरा पके तक। इसमें अभी मैं नमक ऐड करूँगी, नमक मैंने ऐड नहीं करी हूँ। देखो, बाहर पकाने का एक यही टेंशन रहता है कुछ ना कुछ भूल ही जाते, तो अभी अंदर से मैं नमक लेके आऊँगी, इसमें थोड़ा नमक डालूँगी और इसको हम पकने छोड़ देंगे ताकि दही के पानी में चिकन भी पके और यहाँ पर हमारा जो चिकन का पानी निकलेगा वो भी पके। ठीक है ना, और यहाँ पर जो हमने प्याज तल के रखे थे ना, कितनी क्रंची क्रंची हो गई है। अभी इसको मैं मिक्सर में दरदरा सा पीस लेती हूँ जब तक।
ठीक है। तो चलो इसको 10-15 मिनट हो गए पकते पकते, देख रहे आप लोग, दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अभी हम इसको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, बोटी टूट जाएगी, हमारे चिकन को आराम से गलने देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं अभी इसको पकने दूंगी 10 से 15 मिनट और, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और दही भी पक जाए। और यहाँ पे हमने ये प्याज अच्छे से दरदरा पीस लिए है, गरम मसाला जो भुने थे वो भी तैयार कर लिए है और कोथमीर भी तैयार है। अभी इसको पकने देते 10 से 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 15-20 मिनट हो गया है पकते पकते। माशाल्लाह मेरी चिकन तो अभी टूट रहा है, मतलब अच्छे से गल गए हैं, देख रहे हैं आप लोग, टांग के पीस निकल रहे हैं, मतलब चिकन हमारा अच्छे से गल गया है और खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है ना, माशाल्लाह। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐड करेंगे ये हमारे प्याज, यहाँ पे प्याज डाल दी मैंने, यहाँ पे मैं ये जो गरम मसाला पीसी थी ये भी डाल दूंगी यहाँ पे एक चम्मच भर के, ठीक है। अगर आपको जायफल पसंद है तो आप इसमें जायफल भी ऊपर से खिरच के डाल देना, ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ी सी है, अरे अभी गायब हो जाएगी, देख मिलेगा भी नहीं तुझे, दिखेगी भी नहीं कि कोथमीर डाले थे। अब यहाँ पे आपको गाढ़ा पतला जैसा रखना है आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे प्याज गरम मसाला सब डाल के मैंने इसको 2 मिनट पका ली हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमको इसको नान के साथ खाना है, ठीक है। अगर आपको गाढ़ा ही रखना है तो आप इतना गाढ़ा रख सकते हैं, बाहर भी फेंक देंगे थोड़ा थोड़ा पानी। मैं थोड़ा सा इसको पतला कर रही हूँ, क्यों पतला कर रही हूँ रियाज बता, हाँ क्या आप उनको 3 दिन चलाने का ना नहीं नहीं, इसको नान के साथ खाने का था डिप करके, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करी हूँ। अब बस हम इसको 5 मिनट पका देंगे दम पे, देख रहे हैं आप लोग मेरा कोरमा, हा 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 हो गया मस्त, हाँ मस्त हो गया है। लेकिन अभी इसको 5 मिनट हम पकने देंगे क्योंकि हमने अभी अभी पानी थोड़ा सा ऐड किया है ना, तो इसको अभी थोड़ा सा पकने देंगे। तो यहाँ पे तैयार हो गया है, देख रहे हैं आप लोग, पक गया है यहाँ पे मेरा चिकन कोरमा मेरे स्टाइल में तैयार हो गया। आप भी बनाना, इतनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह और इतना टेस्टी बना है ना, बहुत मस्त। यहाँ पे मैं गैस करूँगी बंद, अब हम जाएंगे इसको नान के साथ टेस्ट करने। तो दोस्तों तैयार हो गया यहाँ पे अपना 2 किलो का चिकन कोरमा और हमने आज साथ में लिए है नान, देख रहे भाई, ऐसा सालन या फिर वो कोई पतला सालन होता है ना, जैसे कि अपना औरंगाबाद में नान खलिया पतले यानी शोरबे वाला सालन ना, ऐसे ना नान के साथ खाने बहुत ही मजा आती है। लेकिन अपना चिकन कोरमा पतला बिल्कुल नहीं है, मस्त ठीक ठीक गाढ़ा गाढ़ा एकदम कलरफुल अच्छा बना हुआ है। और सबसे मेन बात आज था हम लोग का आउटडोर शूट, तो भाई आज भी आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, निकालो इसी में खाने का, कुछ निकालो नहीं, और में खाया जाता है ये। अरे बाप रे, हाँ और नींबू तो नहीं छोड़, ये पहला नान था, ओहो मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता खाने के टाइम, बिस्मिल्लाह नींबू का अंदर सब लेके बैठा है आज, सही में बहुत मजा आने वाला है भाई। पहले बोटी चेक करा, काम दिया क्या जाता है ये देखो, ये नान हम लोग किया ना ऐसे मिल जाते हैं, बहुत से जगह पे ऐसे मिलते भी नहीं है, अच्छे भी मिलते हैं। खलिया बना लो या फिर कोरमा बना लो या आलू गोश्त का पतला शोरबा बना लो, ऐसा मंगा लो और चावल चढ़ा दिए हमने घर में, ये खाली ये खाने वाला नहीं है, इसको चावल चाहिए रहता थोड़ा ना थोड़ा, चावल चढ़ा दिए हमने पहले गरम ऐसा बनाए पीस दे दिए ऐसी थोड़ी शेफ बोलते हैं चढ़ गया
आज मैं आपको अपना लेग पीस तोड़ के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत गरम गरम है। अपना मतलब चिकन का। हाँ मेरे को बोलता है अपना। लेकिन मैं बड़ा बाइट जरूर लूंगा ये देखो। हाँ हाँ आओ बिस्मिल्लाह करते हैं। मजा आ गया। काम का एक नंबर था। ऐसा ही बनाना घर में। 2 किलो का देखो हम 1 किलो 1.5 किलो आधा किलो तो बनाते ही रहते हमेशा। कभी मेहमान आ गए तो सोचते ना अरे अभी थोड़े 8-10 मेहमान आ गए 6-7 मेहमान आ गए तो बाहर से मंगा लेते बहुत। हाँ मैं वही बता दी थी। हमारे घर में भी कभी होता है कि ज्यादा मेहमान आते तो अरे ऑर्डर दे दो 2 किलो का पता चल जाएगा नहीं तो मेहमान वो नहीं बने। कभी कभार वाली बात है ऐसा तो हमेशा हम ही बनाते। तो मैं इसीलिए 2 किलो का बना के बताई कि बहुत से लोगों को ये फायदेमंद रेसिपी हो जाए। 2 किलो का कोरमा इजी तरीके से इंसान घर में बना ले और चावल चढ़ा दे तो मेहमानों का खाना बाहर से ऑर्डर दे वो भी बिना गैस जलाए है ना। लेट गैस जलाए। हाँ बिना गैस चालू किए क्या क्या करती हो। अब बताना मेरे को ये कोरमे का सालन चिकन कोरमे का सालन किस किस को इजी लगा क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से इसको बताई हूँ ताकि बनाने के लिए बहुत इजी तरीके से बताई हूँ। सिर्फ इसका पकने का टाइम जो गया है वो और प्याज लाल करने का टाइम गया है वो बस। बाकी बहुत आसानी से और इसी तरीके से इंशाल्लाह अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं मटन में मटन कोरमा रेसिपी शेयर करूंगी। पहले कमेंट करो। हाँ चिकन बिरयानी की। हाँ नहीं मतलब मटन कोरमा भी चाहिए तो कमेंट करो और सजेस्ट करो चिकन बिरयानी। पहले आती है इसके मुंह में। नहीं मैं बोल रहा हूँ सजेस्ट करो चिकन बिरयानी। नहीं लेकिन है और दाल चा खिचड़ा। बड़ी बड़ी रेसिपी पे अगर नाम ले रहा है। नहीं मैं बारिश ही नहीं बारिश तो गर्म नहीं होता क्योंकि बाहर तो फंका ऐसी कुछ है नहीं। थोड़ी हवा चलती रहती तो पकाने में मजा आता। एकदम डायरेक्ट बारिश रुक गई और एकदम धूप निकल गई है ना गर्म होने लगना चालू हो गया। फिर भी कोई बात नहीं मजा तो आया बस बहुत मजा आया। ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया बहुत लोगों को पसंद आया कमेंट बहुत लोगों ने किए थे इसीलिए मैंने बोला कि चल जो लोगों को पसंद है वैसे ही मतलब वो स्टाइल में बनाते हैं तो इसीलिए आज हाँ, मैं ये सोची कि चलो एक जैसा भी आप लोग देख के बोर हो रहे तो थोड़ा सा कुछ अलग करते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो सेटअप पे मैं बना रही हूँ वही सेटअप पे अटके रहूंगी। इंशाल्लाह आगे थोड़ा सेटअप चेंज करते रहेंगे इधर उधर जो सेटअप अच्छा लगेगा मुझे वैसा सेटअप में मैं बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है और थोड़ा बहुत आप लोगों को स्ट्रीट फूड जायका में भी चेंजेस दिखेगा मैं अभी नहीं बताऊंगा। हाँ। लेकिन कुछ दिनों में आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं चेंज जरूर करूंगा। और ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं सब डिश आपको बाहर ही बना के दूंगी। नहीं तो बोलेंगे अरे फिर आ गए किचन में। भाई ये मेरा बेस है यहाँ तो बनेगी ही बनेगी पिज्जा। लेकिन कभी कभार जैसा अभी रेसिपी दो रेसिपी बाहर शेयर करी इसी तरीके से आगे भी कुछ रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन जो मेरा बेसिक किचन है यहाँ तो आपको रेसिपी मिलेगी मिलेगी। ठीक है जब कभी लाइट जाएगी घर की तब बाहर शूट करें। कैसा लगा मजा आ गया मेरे को तो मैं सारी गोटियां खा लियो गल गया ना चिकन भी माशाल्लाह बहुत मस्त बने ला। बनाना इस तरीके से आराम से। देखो ये चिकन कोरमे में टमाटर वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं डाली हूँ सिर्फ दही यूज करी हूँ और दही भी 2 दिन पुराना 1 दिन पुराना। खट्टा वाला दही बिल्कुल भी यूज नहीं करना पूरा कोरमा खट्टास हो जाएगा आपका। दही भी वो लेना जो ताजी दही हो आपको फ्रेश दही मिले उसी दिन की तो वजन से वही लेके आना और उसी में बनाना। और अगर एकदम दही ज्यादा खट्टी मिल गई आपको तो आप दही की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर लेना जितना मैं डाली हूँ उससे थोड़ी कम कर लेना। ठीक है नहीं तो फिर बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा कोरमा तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए। ठीक है ना मेरी तो एकदम फ्रेश दही थी तो मैंने पूरा 1.25 किलो दही डाली थी तो ये बिना टमाटर के भी माशाल्लाह इतना मसाला और रस्सा आराम से बन गया। तो भाई कैसी लगी अम्मी के हाथ की अम्मी के स्टाइल की चिकन कोरमे की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं रुक के वो सब्सक्राइब करना कमेंट करना शेयर करना वीडियो देख के आगे मत जाना। ठीक है जो पहली बार देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि इतना अच्छा अच्छी मेहनत वाली रेसिपी थी तो भाई एक लाइक तो जरूर बनता है।
ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।